नमस्कार सभी को। मैं एक्टर डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू और मेरी फिल्म टारजेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत, जिसके निर्माता हैं शिवम गोयल जी। फिल्म का नाम है नाम बदनाम, जो कि 24 मार्च यानी कि कल रिलीज हो रही है पूरे यूपी, बिहार और झारखंड में, जिसके मुख्य नायक हमारे गौरव झा जी और मुख्य नायिका हैं काजल राघवानी जी। इसमें और भी बहुत सारे पात्र हैं, देव सिंह हैं, हीरा लाल यादव जी हैं, त्रिपुरारी हैं और शिखा स्वरूप जी हैं। बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में आए और सिनेमा को देखे, यही कहना चाहूँगा। गौरव भाई से सवाल। गौरव भाई, नाम बदनाम के बारे में बताइए, बेसिकली क्या किरदार है गौरव झा का फिल्म के अंदर? नाम बदनाम एक सस्पेंस और एक्शन और रोमांटिक, जो सारी चीज़ों का मिला के एक ज़बरदस्त फिल्म जो हो सकता है वो ये फिल्म है। और मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी में आज के समय में जितनी पिक्चरें देख रहे हैं उससे तो काफ़ी अलग है ये पिक्चर। और एक ब्रेक मिलेगा इस पिक्चर को देखने के बाद, एक इसमें पारिवारिक चीज़ें भी हैं, मतलब एक जो मसाला, कंप्लीट मसाला फिल्म बोल सकते हैं इस फिल्म को। और इसमें मेरा किरदार एक पुलिस ऑफिसर का है और मेरे साथ काजल राघवानी जी हैं, जो कि क्या बोले, थोड़ा यही तो कन्फ्यूज़न है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये क्लियर करने के लिए आपको कल 24 मार्च को थिएटर में जाके फिल्म देखनी पड़ेगी। विष्णु जी, आज फिल्म का प्री रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस जी रखा हाँ, गया है। फिल्म के हीरो है, हीरोइन नहीं आई है? वो शूटिंग में व्यस्त हैं इस वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने शुभकामना दिया है और वो फ्री रहती तो ज़रूर आती, क्योंकि रिलीज़ की प्लानिंग जो है थोड़ी सी अचानक हुई है। तो लेकिन उनकी शुभकामना है, हमारी बात होती रहती है उनसे और बहुत एक्साइटेड है फिल्म को लेके। काजल राघवानी बेसिकली क्या शूट करें, वेणु जी क्या उन्होंने बताया आपको कि भाई वो इसके बाद कभी अवेलेबल हो सकती हैं या फिल्म के प्रमोशन में आएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 तारीख के बाद फ्री होंगी। अभी एक फिल्म कर रही हैं वो यूपी में, तो 2 तारीख के फिल्म 2 तारीख के बाद वो फ्री होंगी, तो वो फिल्म के प्रमोशन में भी शामिल होंगी, उन्होंने ऐसा कहा है। और उनका जो किरदार है इस फिल्म में एक बहुत ही अनोखा है। अब तक उन्होंने जितना भी काम किया है उस सारे कामों से, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम बहुत डिफरेंट है उनका, और इसमें उनका लुक भी काफ़ी डिफरेंट देने की कोशिश की गई है। तो एक बहुत जोरदार एक्शन करते हुए नजर आएंगी, मोटर बाइक पे नजर आएंगी, बहुत तगड़ा स्टंट करते हुए नजर आएंगी, जो कि ट्रेलर में जिसका झलक भी आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचे ब्रिज से छलांग लगाना और इतने भारी भरकम शरीर के साथ और मूर्ति को लेके फिर वापस जाना, तो एक टफ टास्क था उनके लिए, जिसमें थोड़ा सा उनको कठिनाई भी हुई थी, लेकिन उन्होंने किया। मतलब काजल राघवानी ने कोई बॉडी डबल यूज नहीं किया, खुद सारे एक्शन और जो स्टंट्स थे वो खुद किए? बॉडी डबल यूज होता है, लेकिन कुछ सीन तो करने ही पड़ते हैं ना, जहाँ क्लोज है वहां तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो उनको उल्टा लटकना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी आंखें लाल हो गई थी। ये तो है, वो आप शॉर्ट में देखेंगे तो उतरने के बाद वो उनको बहुत तकलीफ हुई थी, कई दिनों तक, 2-3 दिन तक उनकी आंखें लाल थी। तो उन्होंने वो स्टंट दिया, उसके लिए तैयार हुई वो और जोरदार दिया। बिल्कुल, एक एक्टर का डेडिकेशन होता है जो जी अपने किरदार हाँ को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है वो करता है। गौरव भाई, नाम बदनाम को लेकर आप ऑडियंस को अगर कुछ कहना चाहते हैं कि भाई फिल्म रिलीज पर है गौरव झा, जो उनके फैंस होंगे? फिल्म नाम बदनाम में यही कहूँगा कि जिस दिशा में आप भोजपुरी को देखना चाहते थे इससे पहले कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्में देखें, दूसरे इंडस्ट्री की तरह फिल्में बने, स्टाइलिश फिल्में बने, तो वैसी फिल्में बन रही हैं, नाम बदनाम बनी है। आप उस फिल्म को देखिए और इंडस्ट्री को ऐसी फिल्मों के लिए प्रोत्साहन दीजिए कि ऐसी फिल्में और बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल 24 मार्च को अपने नज़दीकी थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखें, आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा। सॉरी, मेकर से एक सवाल कर लीजिए कि भाई साहब, आप इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, माफी चाहता हूँ, नाम बदनाम के बनने के बिहाफ में पीछे है, प्रोड्यूसर के बिहाफ अच्छा, में है। आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे जी हैं? जी 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 मैं उनके बिहाफ पे हूँ, मैं कुछ शिवम बताना सबके चाहते हैं बिहाफ पे प्रोड्यूसर का कोई मैसेज है इस फिल्म के लिए, नाम बदनाम के लिए, जो कि अब थिएटर्स में आ रही है? जब शिवम सर को स्टोरी सुनाई हमारे डायरेक्टर साहब ने, तो उनको काफ़ी पसंद आई, और यही था कि एक भोजपुरी सिनेमा में हम कैसे पारिवारिक रोमांचक थ्रिलर एक मूवी लेके आए। और नो डाउट हमारे अभिनेता गौरव जी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है, सभी ने, काजल जी ने और हमारे टाइगर साहब बहुत बढ़िया रोल किए हैं। तो आपको 24 मार्च सिनेमा घरों में आपको आना है, और इंस्पेक्टर सम्राट सिंह, नैना, डायना और टाइगर की टाइगर
अभिनय को खूब सराहना है और सीटी ताली बजे बिना ये होगा ही नहीं, इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हम लोगों को, तो जरूर आप लोग आइए। विष्णु जी कैसे ये जोड़ी डिसाइड की गई? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। एक्चुअली क्या, जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो स्क्रिप्ट जो है एक ऐसे कैरेक्टर महिला की थी जो कि कभी निगेटिव दिखती है, पॉजिटिव दिखती है, और एक वांटेड किरदार है, और उस वांटेड किरदार को ट्रेस करने के लिए एक टीम आती है जिसका लीड करते हैं हमारे हीरो स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो मुझे उस स्क्रिप्ट के हिसाब से एक ऐसे कद काठी वाले पर्सनालिटी, एक ऐसे अच्छे एक्टर की ज़रूरत थी जो पूरे पुलिसिया अंदाज में पूरा एटीट्यूड स्टाइल भी रहे, वो चीज़ मुझे गौरव झा में दिखाई दी। और चूंकि काजल राघवानी एक बेहतरीन अभिनेत्री ऑलरेडी पहले से हैं और अच्छी डांसर हैं, तो वो लगा कि वो दोनों मतलब एक जो तालमेल है, वो किरदार का जो चेंज ओवर है वो बहुत अच्छा करेंगी। तो इस हिसाब से कद काठी के हिसाब से देखा जाए तो वो पेयर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गौरव झा काजल राघवानी। और ये काजल जी ने खुद ही कहा कि पहली बार मुझे ऐसा हीरो मिला है जिसके सामने मुझे मतलब पैर स्प्रेड वो करके शॉट नहीं देना पड़ा, तो वो इनके लेवल में आती थी और हीरो भी हमारे एटीट्यूड में, तो वो एक बड़ा एक अच्छा हाइट पर्सनालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी जोड़ी थी। और स्क्रीन पे आपको इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अद्भुत देखने को मिलेगी, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक्टिंग परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सीन्स हो, इमोशनल सीन्स हो, आप देखेंगे कि ये दोनों कैसे तालमेल है। मतलब एक एक्टर एक्ट्रेस का जो एक केमिस्ट्री होता है वो स्क्रीन पे आपको देखने को मतलब बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा। वेणु जी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपने सब बताया कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी, मुझे गाने बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी तरह से फिल्माया गया। मैं जानना चाहता हूँ वाटरफॉल वाला कहाँ मिल गया आपको सीन, बहुत खूबसूरत है। नहीं, उसकी तो उसके पीछे तो कहानी मैंने अभी कहीं मैं बता ही रहा था। देखिए, कहानी ये हुई कि हमें एक गाना, एक रोमांटिक गाना, मैं गानों में बहुत इन्वॉल्व होता हूँ क्योंकि मैं उस मिट्टी से भी हूँ। बाबा के भी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि हम लोग एकदम प्योर भोजपुरी भाषी है। हम लोग कितना भी कर लेंगे ना, अगर हॉलीवुड की भी फिल्म बनाएंगे, अगर एक बात बोल रहा हूँ मैं उदाहरण के तौर पे, लेकिन हमारा फ्लेवर जो हम नहीं छोड़ते हैं तो वो हमारे अंदर है, वो हमारे ब्लड में है, तो वहाँ की मिट्टी में गीत संगीत है, तो हम गीत संगीत से बहुत जुड़े रहते हैं। एक रोमांटिक सॉन्ग जो हमने रिकॉर्ड करवाया था धनंजय मिश्रा भैया से, ये संगीत उन्हीं का है, जिसके लिए हमें हमारे दिमाग में था कि वाटरफॉल में पिक्चराइज करना है, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या खुशकिस्मती कह लीजिए, हमें वाटरफॉल नहीं मिला। मिला था तो हम बहुत सर्च करने के बाद लोकट प्रोडक्शन ने मुझे वाटरफॉल दिखाया, तो वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ से एक बहुत ही पतली सी धार एक आ रही थी, उसका वीडियो बना के मैं इन लोगों के पास आया, देखो भाई मैं बहुत ढूंढा तो यही वाटरफॉल मिला। तो इन लोगों ने मुझे बोला कि क्या भैया आप ही थोड़ा हम लोग हिम्मत करते हैं, मतलब टाइम हो गया, अगर नहीं होगा तो बोले नहीं हम लोग करते हैं। और भाई इसमें हमारे गौरव भाई और जलंधर बाबा का बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने मोटिवेट किया, हम सब जोश में आके हम लोग वाटरफॉल के लिए चढ़ गए। 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, कैमरा लाइट्स सारे लोग पैदल चलने के बाद उस स्पॉट पे पहुँचे जहाँ का ये ह्यूज दृश्य आपको देखने को मिलेगा, सांवरी सुरतिया, वो फिल्म के अंदर है, वो ट्रेलर में वो उसके एक आध शॉट नज़र आते हैं, फिल्म में देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या दृश्य। तो पिक्चर पहले भी इनके साथ में किए थे हम लोग, जिगर पिक्चर जो आई थी दिनेश जी का, और उसके बाद हमने सेकंड पिक्चर हम लोगों ने साथ में किया, तो उसी में इनकी झलक जो है समझ में आ गया था कि मतलब जो एक्टर हैं ये तो सामने है, इन्होंने अभी तो नया है नहीं, इतने फिल्में कर लिए, सबको सामने दिखा, अगर वो चीज़ नहीं होता तो आज यहाँ थोड़ी होते, आज वो चीज़ है इनके अंदर में। एक्टिंग के सबसे बड़ा चीज़ है कि एक नेचर जो होता है आदमी का, एक्टर का वो नेचर भी इनका बड़े अच्छा है, व्यवहारिक नेचर है। और दूसरा चीज़ हीरो वाला जो एटीट्यूड होना चाहिए आदमी को, वो भी इनके अंदर में है, चाहे एक्टिंग देखिए, चाहे गाने देखिए, एक्शन भी देखिए, हमने सारे चीज़ देखा है इनका, बड़ा अच्छा लगा। और काम करके ऐसे आर्टिस्ट के साथ में काम करने में मज़ा भी आता है क्योंकि आर्टिस्ट साथ खुला रहता है आदमी, उसमें बाउंडिंग नहीं रहता है, जो चीज़ उसमें एटीट्यूड वाला मामला आ जाता है फिर टेक्नीशियन डायरेक्टर के साथ में, तो फिर वो फिल्मों में मज़ा नहीं आता है, फिर वो फिल्में अच्छी बनती नहीं।